दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं, पर अब इनके लाखों करोड़ों फैन इनकी फिल्मों को देखकर अपने आप को समझा रहे हैं कि ये असल जिंदगी में आज भले ही दुनिया को रुखसत कहकर चले गए हों, पर ये अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में बसे रहेंगे। एक्टिंग के लिए ही तो ही, पर इनके फिल्मों में अलग अलग लुक की वजह से भी, क्योंकि इनकी हर एक फिल्म में इनका बेहद खास लुक और इंटरेस्टिंग लुक था, इसलिए तो दर्शकों ने इनके हर एक लुक को सबसे ज्यादा पसंद किया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि दर्शक और उनके डाई हार्ड फैंस को इनकी सभी फिल्मों में से कौन सी फिल्म में उन्हें दिलीप कुमार का लुक आउटस्टैंडिंग और फैबुलस लगा? तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिलीप साहब के टॉप 10 बेहतरीन मूवी लुक से रूबरू करवाएंगे, जिसमें ये बहुत स्मार्ट और हैंडसम दिखे थे। साथ ही इस मूवी लुक से भी आपको रूबरू करवाएंगे, जिसे दर्शकों ने नंबर 1 पर सबसे ज्यादा पसंद किया। तो चलिए रूबरू होते हैं दिलीप कुमार के टॉप 10 लुक से। नंबर 10, राम और श्याम। इस फिल्म में दिलीप कुमार दो लुक में दिखे, जहां ये राम के अवतार में धोती कुर्ता पजामा पहने देसी लगे, वहीं श्याम के लुक में ये कोट पैंट पहनकर बिल्कुल विलायती बाबू नजर आए। इनके इस दोहरे लुक को दर्शकों ने उस जमाने में बहुत पसंद किया। नंबर 9, दुनिया। साल 1984 की मूवी दुनिया में दिलीप कुमार जी का लुक ओल्ड एज आदमी वाला था, जो फॉर्मल ड्रेस पहने, घने बालों और बियर्ड में थोड़े बहुत बूढ़े दिखे थे। हालांकि इनके इस लुक को भी दर्शकों ने बहुत सराहा, क्योंकि निजी जिंदगी में भी दिलीप साहब का यही लुक रहा है। नंबर 8, क्रांति। देशभक्त मूवी क्रांति में इन्होंने अपने आप को सफेद कुर्ता पजामा पहनाकर, काला शॉल ओढ़कर और सिर पर काला साफा बंधवाकर एक फ्रीडम फाइटर दिखाया, जिसे भारत के हर देशवासी ने खूब पसंद किया। नंबर 7, किला। इस फिल्म में इनका एक लुक तो ठाकुर वाला था, वहीं दूसरा लुक एक वकील का, जो काले कोट में क्लीन शेव करके काफी प्रोफेशनल लग रहे थे। हालांकि इनके दोनों ही बेमिसाल लुक्स को उस दौर के लोगों ने काफी कॉपी किया, जिसके चलते ये इनका सबसे यादगार वाला मूवी लुक रहा। नंबर 6, नया दौर। साल 1957 की ब्लॉकबस्टर मूवी नया दौर में दिलीप कुमार धोती कुर्ता पहनकर, खाकी बास्केट पहने, गले में नीला रुमाल बांधे, गांव के बिल्कुल बाकी जवान दिख रहे थे। आज की दर्शकों के बीच में इनका ये गांव वाला देसी लुक बहुत पॉपुलर है। नंबर 5, अंदाज। अंदाज मूवी में इनका लुक बिल्कुल टॉम क्रूज की तरह था, जिसमें ये स्ट्रेट हेयर कट के साथ ब्लैक एंड व्हाइट सूट बूट पहनकर एकदम प्रिंस चार्मिंग दिख रहे थे, और उस दौर की लड़कियां इनके इसी अवतार को देखकर इनके पीछे पागल थी। नंबर 4, कानून अपना अपना। इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब का लुक एक तरफ सरकारी कर्मचारी वकील वाला था, तो दूसरी तरफ एक सिंपल आदमी का। वही इनके इस दोनों ही मन मोहने वाले अवतार को ओल्ड पीपल के साथ न्यू जनरेशन भी खूब पसंद कर रही है। नंबर 3, मजदूर। मजदूर मूवी में दिलीप जी मालामाल सेठ के अवतार में दिखे, जहां पर ये सिर पर लाल टीका लगाए, हाफ डाई वाले दाढ़ी मोछ और सफेद बालों के साथ धोती कुर्ता पहने बिल्कुल दादाजी की तरह लग रहे थे, और इनके इसी क्यूट लुक को देखकर आज भी लोग इन्हें याद करते हैं। नंबर 2, इज्जतदार। इज्जतदार मूवी में दुनिया को छोड़कर जा चुके दिलीप कुमार जी का लुक एक समझदार और पढ़े लिखे बिजनेसमैन वाला था, जिसमें ये सूट बूट टाई और घने लंबे बालों में बिल्कुल हैंडसम दिख रहे थे। वहीं इनके फैंस को दिलीप साहब का ये सेंसिबल लुक सबसे ज्यादा पसंद है। नंबर 1, मुगले आजम। जी हाँ, साल 1960 की सुपर डुपर हिट मूवी मुगले आजम में दिलीप कुमार शहजादे सलीम के रूप में बिल्कुल मुगले युवराज लग रहे थे, जहां दर्शकों को इनका यही नवाबी लुक आज भी सबसे ज्यादा पसंद है, जिसमें ये घेरेदार कुर्ता पजामा और सुनहरे हीरे जवाहरात पहने दिखे। इस लुक में इनका अंदाज एकदम बेहतरीन लग रहा था, और इनका यही लुक दर्शकों की पहली पसंद है, जो इनके प्यारे प्यारे दर्शकों को आज भी बहुत लुभाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस मूवी में दिलीप साहब का लुक सबसे ज्यादा बेहतरीन और अट्रैक्टिव लगा? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।